गारंटी से भारत में हर रिश्ते के लिए एक त्यौहार है और भाई बहन के लिए तो कई त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक महापर्व प्रत्येक वर्ष अघन शुक्ल पक्ष एकम को मनाया जाता है। इसका नाम है रुद्रव्रत पीड़िया। पौराणिक कथाओं में इसका महत्व प्राचीन काल से ही बताया जाता है। बोलचाल की भाषा में पीड़िया के नाम से प्रचलित रुद्रव्रत को ज़्यादातर लड़कियां ही करती हैं। वे इस व्रत के माध्यम से अपनी भाइयों की खुशहाली, लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। व्रत के संबंध में बताते हैं कि इसमें रात भर जागकर पीढ़ियों के गीतों के माध्यम से ही पूजा का विधान है। इसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा के दिन से ही हो जाती है। गोवर्धन पूजा के गोबर से ही घर के दीवारों पर छोटे छोटे पड़ों के आकार में लोकगीतों के माध्यम से पीढ़ियाँ लगाई जाती है। इस दौरान लड़कियां घर की बुजुर्ग महिलाओं से अन्नकूट के कार्तिक चतुर्दशी तक छोटी कहानियां व कार्तिक पूर्णिमा से अघन अमावस्या तक सुबह स्नान कर बड़ी कहानियां सुनती हैं। व्रत के दिन छोटी बड़ी दोनों कथाएं सुनती हैं। इस व्रत में नए चावल व गुड़ का रसियाव, गुड़ चावल का बिना दूध का खीर बनाया जाता है। दिन भर उपवास रहने के बाद शाम को सुरहिया के साथ ग्रहण करती हैं। खास बात यह है कि धान की संख्या भाइयों की संख्या के अनुसार होती है, यानी व्रत रखने वाली लड़की के जिनके भाई होते हैं उसी संख्या के हिसाब से व्रती भाई 16 धान के चावल निकालकर वो सुरहिया धान को निगलती हैं। व्रत के बाद इस पर्व को सुबह तालाब या नदी पोखरे में पीढ़िया के पारंपरिक गीतों के साथ बड़े ही उत्साह से विसर्जित करती हैं। साथ ही कन्याएं आपस में चिवड़ा और मिठाई एक दूसरे से आदान प्रदान करती हैं, फिर पारण करती हैं। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय गोपालगंज। हमारे चैनल बिहार बूस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।